इतने दुबले हो गए हो। दुबले होने के कारण मैं आपको बताऊंगा सही बात, कौन खा जाता है उसको तुम्हारे अलावा कौन खाएगा। मेरे हिस्से का जो कुछ भी है वो सब आप ले लेते हैं। भैया भैया दो मिनट अगर समय लग जाए तो, लेकिन एक सत्यता में बताने जा रहा हूँ। एक बार हुआ ऐसा कि मैं दो चार बादाम लेके आया तो मैंने रख दिया। हमने कहा कि बहुत दुबला हूँ लेकर तंदुरुस्त हो जाए और क्या। अच्छा मैंने रख तो दिया और चले गए किसी काम से, लौट के आए तो हमने देखा रोशनी ऐसे थी लेकिन वो ऐसे मिली हमें। ये चमकदार कैसे हो गया। शाम हुई बादाम खाने के लिए अलमारी का दरवाजा खोला तो हमने देखा उसमें छिलके बड़े बड़े थे बादाम के। नतीजा सामने है। जब बादाम को आप दूध में डालेंगे तो उसका छिलका ऊपर आता है। हम समझ गए कि वो गोवा वाला बादाम है। बस वही है। अब इसका कारण तो आप जान ही गई है कि मैं क्यों दुबला हूँ, आप इतनी मोटी क्यों हैं। लेकिन उससे परवाह ना करिए, कलेजे में दम होनी चाहिए। ये बात नोट कीजिए। गाना बजाना आप देखिएगा उसमें आपको कभी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम सदा बाहर हैं, जब से देख रहे हो वैसे ही है। बातें आपने की है जितेंद्र भाई, सत्य कह रहा हूँ मेरे भी छोटे भाई भाई बहुत मेहनत करते हो आप। मैं सोचता हूँ क्योंकि उसकी बहन है और क्या, परारे घर को जाते ही इसे और क्या। और जब मैं रोशनी की शादी कर दूंगा तो मेरे छोटे भाई जितेंद्र तुम्हारा क्या होगा। इनका बड़ा बुरा हाल होगा बेटे, ये जीटी रोड में रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगे उनके से। गीत मैंने दिया था कि देवों के देव महादेव है, महादेव प्रिया महादेवी राम खिलाऊं दिया। महादेव का महादेवी का दुखद समय था, वो बावन नवरात महादेव का सुखद समय था, मन भावन शिवरात। अगला गाथिया कह रहा था कि शिव तन को सर्पों से सजाया, निज तन साजे जेवरात, यानी रात शिवरात नवरात और फिर जेवरात, सफल हो जाए जयकारों से जगराते की रात। तो एक बात और मैंने कही थी कि कौन वर्ण के शिव शंकर को सिवा है काल रात। ये बात आज की रात तुम्हें रात नहीं दिखाई दे रही है। और फिर मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक होते हुए भी इनमें कुछ विषमताएं, जैसे वो अजरबर है तो माता रानी मरती जन्मती है। मैंने बताया कि जो स्वयं प्रभु राम को अंतःकरण में बसाए हैं उन्हीं पर माता रानी संता करती है। कुछ विषमताएं मैंने दिखाई तो जो मेन बात थी वो ये थी कि दो के सहयोग से, यानी माता रानी और पिताजी के सहयोग से दो अवतार मिले, एक बजरंगबली बाबा का पूंछ बनी है माता रानी तो दूसरा अर्थ नारे से हो। ये मैटर था वो कस हवा में आपने ले लिया है। बातें आप करते हो तो लच्छेदार बातें आप करती है, वो करती रहिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जब आप थोड़ा सा विचार करिएगा रोशनी जी,
कि 12 ही नवरात मिले हैं और 12 ही शिवरात। मेरा मानना है कि हर सोमवार को शिव की रात है, लेकिन महाशिवरात सिर्फ एक है। फिर कह रहे हो 12 ही नवरात, इस बात पे तो माला पढ़ना चाहिए। मैं नहीं जानता राइटर महोदय, मुझे तो 12 नवरात नहीं समझ में आए, आपकी जानकारी नहीं तो आप जाने। अब रात रात का काफिया चल रहा है आपकी तरफ से, कई बाप के संग आप कहे बेटे की क्या किसान, बदल गई बात। फिर बनते नहीं खिराक, रात रात छूट गया आपका। कथा में भी लिख के रख दिया गया कि असुर से वहां की उत्पत्ति, असुर से वहां की उत्पत्ति, विषमता कहां है। माता यानी भोले बाबा और भवानी में विषमता, समता और रात और तो के सहयोग से तो अवतार चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब खड़िया खाओ तो चाय खाओ पार्ले जी, और रोशनी हो बात कहते हैं लोग, हम तो अनजान हैं तो क्या कहे आपसे। हम जो भी आपने गाया लोगों ने सुन लिया, इस विषय में हमें कुछ कहना नहीं। आइए चलते हैं सीधा आपके खंड गीत की ओर। पी लिया
पीलिया से चलो पीलिया पे खत्म जब जब पीलिया तो पीलिया पीलिया। अब सुने जवाब जैसे आपने गाया है और जब तर्क करोगे तो मैं आपकी तर्क का जवाब दूंगा। सुने पहले सुने पीलिया गन्ने के रस से खत्म होती है पीलिया। रोशनी जी जवाब में ऐसा देने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों की समझ में आ जाए क्या बात है। और जब पी लिया यानी कहीं पर किसी ने जहर पी लिया लेकिन प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है तो जब पी लिया तो हुआ क्या क्या जीलिया जीलिया कोशिश की ये तो हरि भक्त है ऐसे भक्त की मेरे परिवार में कोई जगह नहीं है। बड़ा प्रयत्न किया कि इसके प्राण चले जाए कभी पर्वतों से फिरवाया कभी समुद्र में डलवा दिया कभी तेल के कड़ाहे में बैठा दिया नहीं गया। तो एक समय ऐसा भी आया कि प्रहलाद की माँ अपने पुत्र को इस दे रही सिर्फ अपने पति की आज्ञा से और जब जब प्रभु की कृपा जिस पर हो उसका कौन बाल बांका कर सकता है। सुने जी लिया जी लिया पी के विष जी लिया। दूसरी बात देखे देखे मिलता है कभी जी लिया श्रवण दशरथ दशरथ जी ने अपने शब्द भेदी बाण से जी लिया जी मतलब जान जी लिया तीन के मगर ठोर जीलिया। अब देखिए श्रवण अंधे माता पिता तीन की जान दशरथ ने ली लेकिन श्राप मिला कि पुत्र वियोग में मेरे प्राण जा रहे हैं दशरथ तो पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। वो हुआ जब श्राप मिला तो दशरथ को कोई संतान थी नहीं लेकिन इसी श्राप के कारण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्र मिल गए। उधर तीन झीलिया और इधर भोर जी मिल गए भोर जी। अब इधर आप देखिए जियो चला रहे हो भैया आप भी चला रही होगी और जियो का कनेक्शन 4G है इसके पहले 2G था और क्या समझो आने वाले समय में 5G भी आ गया। सुने जीलिया जीलिया पी के किस जीलिया तीन के मगर फोर जीलिया मीरा ने जान जीलिया मीरा ने जान भर की
चेहरा को देख के, इसलिए कह रहा हूँ चीनिया चीनिया पी के किस चीनिया जल्दी से लिख रहा ताकि टाइम निकल जाए। और क्या गीत आया कैसे कि अब के बरस जो बरसेगा Thank you.
काम कर गए अमर। मैं जिंदगी बात कर रहा हूँ और क्या कि धरनी पे कर्म कर नाम है कर गए अमर। हरिश्चंद्र तो इधर जवाब में देखते हैं।